और बीच में कहा रुकने का कोई स्थान है, तुम गए नहीं, जो गए नहीं तुम या तो तुम छलावा करो किसी के साथ, ये कुछ नहीं मार में छोड़ा नहीं करो, बर्फ गिरे के तुम भरा मत करो, तुम्हें बढ़ना है, बढ़ते रहना है और गौमुख पहुंचाना है। ये छल ये गुरु का छल, क्यों गुरु ने देखा ही नहीं गौमुख, और देखा होगा तो वो कहेगा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम गंगोत्री के आगे पहले रास्ता है, पहले रास्ते आओगे तो पहले चीड़वास आएगा, जब चीड़ों का बिना जंगल था इसलिए चीड़वास ना पड़ा, फिर भोजवासा स्थान आएगा जब भोज पत्र के बहुत पेड़ थे, फिर लाल बाबा का आश्रम है वहां रात विश्राम कर लेना, वहां रात को तुम्हें भोजन मिलेगा, सोने के लिए कंबल मिलेंगे, और उसके बाद में वहां से केवल 8 किलोमीटर आगे जाओगे तो गौमुख तुम्हें साक्षात दिखाई दे जाएगा, फिर वापिस लाल बाबा रास्ता बता देगा, क्योंकि वो देख चुका है, जो नहीं देख चुका है वो नहीं बता सकता है, जो भक्ति जेनुम्बा का दर्शन कर चुका है वो तुम्हें विधि को समझा सकता है, और जो नहीं देख चुका है वो कुछ भी ऐसा कह सकता है तुम हिमालय में चले जाओ। इसलिए मैं जिस गालिब के श्लोक को तुम्हारे सामने आज पहले दिन नवरात्रि का पहला दिन भी नहीं, तुम्हारे इस नए संवत का भी आज पहला दिन है, और मैं सोचता हूँ किस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की बातचीत सुनने का तुम्हारी जिंदगी का भी पहला दिन है, तुम पहली बार अपनी जिंदगी में ये पहली बात सुन रहे हो कि हम पूर्ण भौतिक ग्रस्त रहते हुए भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का पहला क्षण है पूरी जिंदगी का। अब तक तुमने जिंदगी बिताई वो अपने ढंग से अपने ढंग था, अच्छी बुरी मगर जो कुछ बिताई उसमें कुछ उपलब्ध कुछ नहीं हुआ, दुख और वेदना और परेशानियां और बाधाओं और अड़चनों और बीमारियों के अलावा तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं बची, आनंद नहीं बच पाया, सुख और सौभाग्य नहीं मिल पाया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए तुम्हारी पूंजी जो कुछ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसलिए हुई तुम्हें कोई गुरु मिला ही नहीं, डोंगी मिले पाखंडी मिले होंगे तो डोंगी मिले होंगे, सही रास्ता नहीं बता सके होंगे, इसलिए पूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी हम अपने जीवन को उस गालिब ऋषि ने कहा कि हम अपने जीवन में उस स्टेज को प्राप्त करें कि हम प्राणों को पूर्ण तेजस्विता बना दें, आंखों में वो चमक क्षमता प्राप्त कर दें और उस पूरे शरीर में एक प्रसन्नता एक आह्लाद एक खुशी और एक तृप्ति अनुभव कर सके। अगर वो तृप्ति है तो जीवन में खुमारी है, खुमारी तो नहीं आता, जीवन एक अलग है, जीवन का खुमारी जीवन का एक आनंद जीवन की तृप्ति अलग है, वो तब होता है चक्षुरुन्मीलितम येन, जब तुम्हारे शरीर में कोई शरीर उतरे, जब तुम्हारी आंखों में चक्षुरुन्मीलितम आंखों के अंदर कोई आंखें उतर जाए तो उन आंखों के माध्यम से तुम उसको देख सकते हो, जो आंखें उसको देखने की अभ्यस्त है, जिस गुरु ने उसको देखा है उस गुरु की आंखों को तुम अपनी आंखों में बसा सको, ये अभ्यस्त लोग तुम नहीं देख सकते, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो गुरु को अपने शरीर में समाहित कर देना है, तुम्हें गुरु के पूरे प्राणों को अपने शरीर में समाहित कर देना, वो प्राण अपने आप तेजस्वी बन जाएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम्हारी काया में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी चेतना में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है, तो चक्षुरुन मिलितम उन चक्षुओं को अपनी चक्षुओं से मिला दो, उन आंखों को अपनी आंखों से मिला दो, उतार दो जीवन में आंखों के अंदर स्थापित कर दो, ये चक्षुरुन मिलितम ये न तस् नहीं, इसलिए श्री गुरु भाई नमः वो कह रहा है, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा सुंदर है अच्छे कपड़े पहने, इसलिए नहीं, इसलिए कि वह भक्ति जगदम्बा को साक्षात मुझे करवा सकता है, क्योंकि मैं अगर उसको अपने जीवन में उतारू, अगर उनकी आंखों को अपनी आंखों में बसा दू तो उनकी आंखों के माध्यम से मैं जगदम्बा के दर्शन कर सकता हूँ, चक्षुरु मिलितम येन तस्मै श्री गुरु भाई नमः, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, इसलिए ये कार्य केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, न पत्नी कर सकती है न पति कर सकता है, न भाई न बंधु न तुम्हारा धन न दौलत न ऐश्वर्य न तुम्हारे 1,00,000 रुपए न 5 करोड़ रुपए न नेता न अभिनेता, ये नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये नहीं कहा तस्मै श्री पत्नी नमः या तस्मै श्री पति भाई नमः, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तस्मै श्री गुरु भाई नमः कहा है, क्योंकि वह ऐसा कर सकता है, और तुम्हें उस श्लोक में गालिब ने कहा कि इसलिए तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है और तुम्हें और कुछ क्रिया आती भी नहीं है, तुम तो अगर उसको अपने जीवन में अपने प्राणों में उतार सको पूरी तरह से, और जब उतार जाता है गुरु जब उतर जाता है शरीर में तो अपने आप में पूरा शरीर अपने आप में बदल जाता है, एक चमक आ जाती है चेहरे पर, एक बोझ आ जाता है, शायद मैं उदाहरण दूं कि
कैसे उतारे? गुरु को शरीर में उतारने की बात आपने कही गुरु जी, मगर उस गुरु को अपने शरीर में हम कैसे उतार सकते हैं? उनके प्राणों को अपने प्राणों में कैसे समाहित कर सकते हैं? उनकी आंखों को अपनी आंखों में कैसे समाहित कर सकते हैं? और तुम्हें शायद द्वापर युग की तो मैं घटना नहीं कह सकता कि द्वापर युग में तो जब राधा बैठी और राधा बैठी तो उद्धव गए, उद्धव गए तो उद्धव तो बहुत ज्ञानी और राधा तो पहली क्लास में पढ़ी लिखी नहीं, तो आई भी आता नहीं था राधा को। उद्धव ने कहा कि तुम उस कृष्ण का मोह छोड़ दो, 3 साल तो हो गए, जब 3 साल में उसने पलट करके तुम्हें देखा नहीं, कृष्ण ने भेजा था उद्धव को राधा के पास, क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञान की ब्रह्म क्या होता है कृष्ण तुम नहीं समझते, ब्रह्म जानते भाई सा वह ब्रह्म स चैतन्य, कृष्ण का वो सब सही है, मैं सुन लिया, तुम एक काम करो, तुम जाकर के राधा को समझा के आ जाओ कि तुम ब्रह्म की उपासना करो, तुम कृष्ण को छोड़ो, तो मैं तो बाद में समझूंगा, उसको पहले समझा के आ जाओ, उससे तकलीफ, उस मूर्ख को तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझाने में क्या टाइम लगेगा। हो गए, उसने कहा राधा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये प्रश्न बेकार है, ये पूछो कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मैं हर क्षण उस कृष्ण को भोजन करवा रही हूँ, उसको बात कर रही हूँ, उसके सामने बैठी हुई हूँ, उसका चिंतन कर रही हूँ, उसको प्यास लग जाती है तो पानी पिला देती हूँ, थक जाता है तो पांव दबा देती हूँ, और रात्रि को विश्राम के लिए पलंग बिछा देती हूँ, पांव दबाती हूँ, सुला देती हूँ, सुबह टाइम पे जगा देती हूँ। भगवान कृष्ण तो हमारे यहाँ से गए 3 साल हो गए, 3 साल और 300 साल और 3000 साल तुम्हारे लिए गणना है, काल की गणना, मेरे लिए तो कोई गणना नहीं है। शाम हो गई तो राधा ने कहा कि तुम उद्धव कहाँ जाओगे, रात में यही सो जाओ। तो कुटिया थी, कुटिया में राधा सोई हुई थी, बाहर कुटिया के बाहर उद्धव भी सो गए, उद्धव सो गए तो रात को 9 या 10 या 11:30 या 10-11 बजे तो कृष्ण 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 की आवाज आ गई, की आवाज है रात को कहां से आ गई? उद्धव सो ज्ञानी थे, ज्ञानी पढ़े लिखे थे, और खाली ज्ञानी सबसे बड़ा मूर्ख होता है, जो केवल ज्ञान ही जानता है वह तो ठीक वैसा ही होता है जो एक पोथी पढ़ी रखी हुई होती है, तुम्हें जब इम्तिहान देना होता है मैट्रिक का तो बस पूरे पन्ने रटे हुए होते हैं और जाकर उतार देते, तुम्हें कुछ न तो ज्ञान, अगर तुम्हें कहूँ कि पारे को शोधन करना की बस वो तो ठीक है वैसा जो लिख दिया वैसा याद किया वो लिख दिया। रात तो कृष्ण कृष्ण की आवाज कहां से आ रही है? वो उठा, चौपड़ी के इधर गया, पीछे गया, चारों तरफ घूमा, पलटा तो आवाज धीमे आने लगी, थोड़ी और आती गया तो आवाज ही बंद हो गई। ये क्या हुआ? फिर वापस आंगन में आ गए, कृष्ण कृष्ण की आवाज, थोड़ा दरवाजा खोला, कुटिया के अंदर दीपक लग रहा था, अंदर गया तो राधा बिल्कुल नींद में सोई, इसकी तो वोट मिली नहीं है और आवाजें बहुत तेज आ रही। थोड़ा सा पास में गया तो देखा कि शरीर के प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही, उद्धव समझ गया कि कृष्ण को पूरे शरीर में समाहित होने की क्रिया ज्ञान शास्त्र वेद पुराण में नहीं, राधा से सीखी जा सकती, और राधा को जगाया। उनका तुम क्या बोल रही थी? तुम बोली नहीं थी, नींद ले रही थी, तुमने क्यों जगाया, क्या हुआ? जब पूरे जीवन में उतार दिया जाता है, ये तो एक राधा का उदाहरण, और उदाहरण की यदि कोई प्रेमिका हो और उसका प्रेमी कहीं चला गया हो 2-4 दिन के लिए नहीं आ रहा हो, तो आप देखेंगे बिल्कुल खोई हुई सी, और जो ही आपका चेहरा अगर साइकोलॉजिकल देखें तो चेहरे पर बड़ी चमक आया है, जैसे बातचीत की है, ऐसा हो गया है, अब कभी चेहरे पर रंग उड़ जाएगा, कभी तुमसे गुस्सा आ जाएगा, कभी खिलखिलाहट आ जाएगी, कभी आंखों में मस्ती आ जाएगी, ये सारी बात तो सामने कुछ नहीं है, मगर वह पूरा आंखों में आंखें उतरी हुई है, उतरी हुई है, इसलिए बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, पास में कोई नहीं है, मगर चेहरे पर चमक भी आ जाती है, बिल्कुल एक अजीब चमक है। एक औरत में जो सारी शुदा औरत है उसमें और उस औरत में बहुत अधिक अंतर है, उसके चेहरे की चमक ही बिल्कुल दूसरी है, उसकी चमक ही बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित किया हुआ है, इसलिए उसकी चमक बिल्कुल अलग है। और जब गुरु का स्पर्श पाता है शिष्य, देखना नहीं, पास में बैठना भी नहीं, जब स्पर्श होता है
दीक्षा के माध्यम से जब उसको जीवन में उतारने की क्रिया होती है तो एकदम से शिष्य का चेहरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, प्राण बदल जाते हैं, आंखों का भाव बदल जाता है। और यदि गालिब जी कह रहे हैं कि उसके आंखों की फोटो ली जाए तो आंख में केवल गुरु ही दिखाई देते हैं, उसकी आंखों का चित्र नहीं आता। ऐसा चिंतन तब होता है जब पूरे शरीर में जैसे प्रीतमा श्लोक आती है, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं आएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आएगा ही। मगर हमारे राजस्थान में तो कहा होते कि बाजी लो चितारे मने आवे चिट्ठी, कि मेरा बहुत अठी पति है, प्रेमी है, बाजी लो बहुत अठी बहुत जिद्दी है, आने तो मैं बार बार कहती हूँ आ नहीं रहा है, मगर आज मुझे याद किया है, याद कैसे इसकी आ रही है। 5,000 मील दूर आसाम में बैठा हुआ वहां याद करा, याद की आ रही है, ये क्या चीज, सीधे तार जुड़े हुए उनको, और क्यों इसकी आती है, दिमाग के सामने वो चला जाता है, आंखें देखना आंखें में चमक आ जाती है, उसके चेहरे की भावना की ओज और मियां एकदम से उतरती है, नृत्य करने लग जाती है। सांगा कह रहा क्या क्यों डांस कर क्यों नृत्य कर रही हो, क्या है तुमने तो सामने कृष्ण देख रहे हैं मैं नृत्य कर रही हूँ, वो आए हैं मैं उसको रिंग जाऊंगी नहीं तो फायदा क्या, मैं क्या करूं यहाँ बैठी हुई, वो देख सुनती है सामने खड़े और उसका सुनते सांगा कह रहा तो पागल दिमाग खराब हो गया है, कहाँ है या कृष्ण कहाँ है, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी आंखों में वो चीज उतरी नहीं है, मेरी आंखों में उतरी हुई है, मेरी आंखों में उतरी हुई है, इसलिए मालूम है वो सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, आया बड़ी मुश्किल से थका हुआ है और नृत्य करके अगर उसको खुश नहीं करूंगी तो अर्थ क्या, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये उतरने की क्रिया है। मैंने आपको उदाहरण दो तीन उदाहरण दिए, किसी को जरूरत थी मेरे जैसे 5 या 80 किलो उठा करके तो शरीर में डाल नहीं सकते थे, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, उठा भी नहीं सकते, उठाएंगे तो बोझिल हो जाओगे, घंटे आधे घंटे के नीचे उतारना पड़ेगा, पूछिए अब नीचे उतरो हो गया मतलब तो पॉसिबल नहीं हो सकता। गाने में कहना उतारने की क्रिया है और उतार दे तुम्हारे आंखों में चमक आ जाएगी, एक श्रद्धा एक प्रेम एक चिंतन एक अटैचमेंट एक प्यार, सब कुछ समर्पण करने की क्रिया, सब कुछ फना हो जाने की क्रिया, सब कुछ लुटा देने की क्रिया, जब सब कुछ लुटा देंगे तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगा, जब तुम भरे हुए हो उसमें कोई समा भी नहीं सकता, इसलिए उसको जो ही अंदर समा जाएगा तुम्हारे उनको गुरु को देखने की क्रिया ही बदल जाएगी, जब वो नहीं है तो बिल्कुल एक बेचैनी सी होगी, बहुत तड़प होगी, एक तनाव सा होगा, बहुत अदम झुंझलाहट सी होगी कि क्या करें। जब मीरा को समझा रहे तो मीरा कह रही तुम ये मुझे समझाने की क्रिया मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, जब गोपियों को समझाया उद्धव ने कि तुम अपने हृदय के अंदर से कृष्ण को निकाल दो, उसने कहा कि हम तो निकाल दें, मेरे को सीधी सीधी चीज हो तो निकले, तिरछे वे जो अड़े वो तिरछे होकर अड़ गए, अब तिरछे तो निकल नहीं सकते, फंस गए बिल्कुल, अब इस जिंदगी में कुछ नहीं निकल सकते, उद्धव सीधी कोई चीज तो फिर भी निकल सकती है, वो तिरछे होकर अड़ गए, हाँ हमारे बस की बात नहीं है, तुम ज्ञानी लोग उतार, तुम किसी को निकाल भी सकते हो, बसा भी सकते हो, 1,000 बार बसा सकते हो, तुम तो भैया हो उद्धव, तुम मनुष्य नहीं हो, उद्धव का सारा ज्ञान नहीं थे, उद्धव वे गोपियां शायद ज्यादा ज्ञान मानती, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कोई गायत्री मंत्र भी नहीं आता था, उस राजा ने कोई शास्त्र वेद पुराण पढ़े नहीं थे, मगर उसने जो क्रिया की आज 5,000 साल बाद भी तुम्हें मुझको याद है, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को अपनाया जो गालिब ने कहा कि तुम अपने जीवन में उन आंखों को उन प्राणों को उन चेतना को उन सपनों को उन दिव्यों को अपने अंदर उतार लो, उसके माध्यम से तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। अगर बहुत सर्दी है तो गर्म स्वेटर पहन लो, पूरे शरीर पर ढक दो जिससे कि उस सर्दी की हवा को